नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू फर्स्ट द कॉन्टेंट्स फ्लो ऑफ एनर्जी इन सेल रिडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द सेल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द सेल ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको पहले समझाऊँ कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है किस तरह से जाओ तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज़ द सन सन से जो एनर्जी आती है दैट इज़ ट्रैप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है अब अभी ये कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो इन कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी है दैट इज़ एक्चुअली यूटिलाइज फॉर देंथिस ऑफ ए टी पी मालिक्यूल्स और फिर वो ए टी पी हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी सेल्स हैं या जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो उनके बॉन्ड्स के अंदर ट्रैप फॉर्म में है तो यही बॉन्ड्स जब ब्रेक करेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि ए टी पी जब वो सेंथिसाइज की लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के बॉन्ड के बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कार्बन कार्बन बाइंड बॉन्ड है कार्बन सल्फर बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो लिविंग ऑर्गनिज्म कैन हार्वेस्ट एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको हमारे सेल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं अब जो एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान सिर्फ दो ए टी प्रोड्यूस होते हैं इससे जब करेबसाइकिल चलता है तो एक क्रैब साइकिल में एक ए है तो दो क्रैब साइकिल में दो ए होगी तो टोटल फोर ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे सेल को मिल रहे हैं और 36 सिक्स ग्लूकोज से टोटल ए टी हैं फोर डायरेक्टली मिल गए हैं तो इसका मतलब थर्टी टू ऐसे ए हैं जो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं बल्कि वो एनर्जी जो 32 टू को सैनिसाइज कराने के लिए चाहिए दैट इज़ प्रेजेंट इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्राम द न्यूट्रीट्स इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब सेल्स के अंदर मूव करते हैं ट्रांसफ़र होते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में तो फिर इनकी मूवमेंट के दौरान इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है तो इन सिंपल वर्ड्स मैं अगर मैं यूं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज एक्चुअली हार्वेस्टेड फ्राम द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो डेफिनेटली कुछ मालिक्यूल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ मालिक्यूल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे क्या करेंगे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका मतलब ये हो कि एक मालिकूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन वो आगे फिर दूसरे मालिक्यूल को डोनेट कर रहा है वो मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज़ एक्चुअली कॉल द रिड्यूस्ड मालिक्यूल उसकी क्या हो गई है रिडक्शन हो गई है और वो मालिक्यूल जो आगे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है उसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया यानी हमारे पास दो मालिक्यूल्स हैं एक मालिकूल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये अभी रिड्यूस फॉर्म में है जैसे ही ये अगले मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स देगा जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा और जिसने डोनेट किया वो ऑक्सीडाइज हो गया अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बुरा इकट्ठी हो रही होती है इसलिए हम इसको कम्बाली रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये कि एक मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन और दूसरे मालिक्यूल की रिडक्शन है अच्छा रिडॉक्स प्रोसेस के दौरान एक्चुअल जो काम हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान ए जो है उसको या एनर्जी जो है बेसिकली एनर्जी हार्वेस्ट की जाएगी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अभी जैसे मैंने कहा कि एक मालिक्यूल जहां वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मालिक्यूल को ट्रांसफर कर सकता है अब सेल्स के अंदर हर मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी नहीं रखता है लेकिन चंद एक मालिक्यूल हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है इवन कुछ मेटल आइन्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके पास है ये इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांसफर कैपेसिटी मौजूद है लेकिन जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो ग्रुप्स हैं या कह सकते हैं कि मालिक्यूल्स हैं देर द एन ए डी एच एंड द एफ ए डी एच टू मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स जो यानी जैसे हम ग्लूकोस ले रहे हैं तो ग्लूकोस के अंदर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू के पास जाएंगे और फिर वो आगे ए टी पी के प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा तो व्हाट इज द एन ए डी एच एन ए डी एच का पूरा नाम है निकोटिनामाइड निकोटीनाइड यानी इसमें डाइनिक्लोटाइड है और इसके साथ निकोटिनामाइड ग्रुप अटैच है तो एनएडी में जो निकोटिनामाइड ग्रुप है इसके पास ये क्वालिटी है कि इट कैन एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स और फिर ये दो इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट भी कर सकता है तो जब एनएडीएच के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर अगर हम देखें जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये एन ए डी होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा ये निकोटीनामाइट उसको हम कहेंगे है तो ये एन ए डी निकोटीनाइट एडिन इन लेकिन उसको हम कहेंगे इट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म और जब आकर इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स अटैच तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जब अटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी ऐड होगा तो इससे एन ए डी एच बन जाएगा तो एन ए डी एच इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो यानी इसके एक साइड की शुरू की जो है वो बेसिकली एन ए डी है एन ए डी के पास जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर आप इसको नीचे देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आज जब भी हम एन ए डी लिखते थे एन के ऊपर हम प्लस का साइन डालते हैं यानी इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एन को जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे फ्रॉम ग्लूकोस ग्लूकोस से ड्यूरिंग ग्लाइकॉलसिस मिलते हैं या ड्यूरिंग साइकिल मिलते हैं तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइन को साथ ही मिलाकर ये एन में कन्वर्ट हो जाता है तो एन इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म सेकेंड वन इज द एफ ए डी एच टू एफ ए डी एच टू भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो सेल्स के अंदर जो है वो ड्यूरिंग रेस्पारेशन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एफ ए डी एच स्टैंड फॉर फ्लेवन एडिन दाई न्यूक्लियोटाइड यानी एन ए डी में निकोटीनाइड ग्रुप है तो यहाँ फ्लेवन ग्रुप है एन ए डी की तरह यहाँ भी एफ ए डी जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है वेन इट इज़ इन ऑक्सीडाइज फॉर्म इट इज़ सिंपली एफ ए डी एंड वेन इट इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म इट इज़ एफ ए डी एच टू अगर हम इस डाइग्राम को थोड़ा सा ओर से देखें तो एफ डी के ऊपर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसलिए हम सिंपल एफ ए डी लिखते हैं एफ ए डी प्लस नहीं लिखते एन ए डी प्लस लिखा जाता है एफ ए डी के ऊपर पॉजिटिव का साइन नहीं होता है जिस एफ ए डी इट विल एक्सेप्ट टू हाइड्रोजन आइन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से इट विल भी कन्वर्टेड इन टू एफ ए डी एच टू डिज द रिड्यूस्ड फार्म ये एफ ए डी एच टू आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब जाएगा तो ये अपने एन NADH डी एच टू एन डी एच और एफ डी एच टू ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले कर देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है जो बाद में ए टी पी की सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी